हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड हेयर ऑयल, जो आपके हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपके हेयर को सिल्की और शाइनी बनाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें सबसे पहले हम लेंगे ऑनियन यानी कि प्याज, सेकंड हम लेंगे मीठी नीम यानी कि करी पत्ता, थर्ड लेंगे कलौंजी, फोर्थ लेंगे मेथी दाना, फिर लेंगे 2-3 कपूर, 2 विटामिन ई कैप्सूल, 2-3 लौंग, फिर हम लेंगे हिबिस्कस फ्लावर और उसकी लीव्स, और मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ और ऑलिव ऑयल का यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर कोकोनट ऑयल हो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फिर हम एक पैन में ऑयल डालेंगे, ऑयल में सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मेथी और कलौंजी हमारे हेयर से डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर करते हैं और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, और करी लीव्स में एंटीबैक्टीरिया पाई जाती है जो हमारे स्कैल्प के प्रॉब्लम को दूर करती है, और ऑनियन में सल्फर की मात्रा पाई जाती है जो हमारे हेयर ग्रोथ में तेज़ी से हेल्प करती है। इस हेयर ऑयल को आप 2-3 महीने तक स्टोर करके चीज़ों को ऑयल में मिक्स करने के बाद उसे अच्छी तरह से हम चलाएंगे। फिर उसमें हम ऑलिव ऑयल भी ऐड कर देंगे। 10-15 मिनट बाद आप देख सकते हैं ऑयल का कलर चेंज हो रहा है। ऑयल बनने के बाद इसमें हम विटामिन ई की कैप्सूल और कपूर को ऐड कर देंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।